हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, तो पहले मैं बात करती हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ओके, सो ये मैंने आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है ना। इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन, राइट? चलिए, तो इसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो इंस्पायर, हम जो एयर इंस्पायर कर रहे हैं, बच्चों समझो बात को, हम जो एयर इंस्पायर कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, है ना। और अल्टीमेटली वो पहुंच कहाँ रहा है, एल्वियोली में। देखो दिखाया ना, एल्वियोलस या एल्वियोली में, है ना। तो पहले सीखते हैं अपन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है एटमॉस्फेयर में, है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एटमॉस्फेयर में। तो अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, पार्शियल प्रेशर को हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 159 mmHg, यूनिट है mmHg। बेटा देखो, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है या नहीं है? एटमॉस्फेयर में गैसेस है ना, लाइक एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है एयर का, वो है 760 mmHg। उसमें से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 159 mmHg। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 0.3 mmHg। ठीक है, हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता है एयर में ऑक्सीजन 21% है ना, CO2 21% ऑक्सीजन है एयर में, CO2 कितना है 0.04%, राइट। पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर है 0.3 mmHg, राइट। अब बेटा हम एल्वियोली में चलते हैं, है ना। जब ये गैसेस एल्वियोली तक जाएगी, है ना, जब क्या होगा, जब ये लोग हम इंस्पायर करेंगे, है ना, जब हम इनको इंस्पायर करेंगे और ये गैसेस एल्वियोली तक जाएगी, तब आप देख सकते हैं इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। एल्वियोली तक पहुंचते पहुंचते, एल्वियोली तक पहुंचते पहुंचते पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 104 mmHg, समझ रहे हैं, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा 40 mmHg, है ना। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट्स द रीजन, बिकॉज यहाँ पे आप एल्वियोली में देखिए, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 चल रहा है। अब ये एक्सचेंज पॉसिबल कैसे है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें पता है चीजें फ्लो करती है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हमेशा चीजें फ्लो करेगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है आपको 104 mmHg एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है 40 mmHg, है ना, ये गिवन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली इज 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg, ये गिवन है। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तो अब ये पार्शियल प्रेशर एक्सचेंज जो होगा वो कैसे होगा, देखो बेसिकली अगर आपको पता हो तो पल्मोनरी आर्टरी जो है, आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी बच्चों, नॉर्मली आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरी डी ऑक्सी ब्लड, है ना, ये पता है हमें। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डी ऑक्सी ब्लड कैरी करती है। अब पल्मोनरी आर्टरी जो डी ऑक्सी ब्लड कैरी कर रही है ना, यहाँ पे जो ये डी ऑक्सी ब्लड कैरी कर रही है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा आपका
40. यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा 45 mmHg. कहाँ की बात कर रही हूँ बेटा? मैं बात कर रही हूँ आपके पल्मोनरी आर्टरी में, है ना? तो अब देखो बेटा क्या होगा, एल्वियोली में क्या है, एल्वियोली में मैंने आपको बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 एंड यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40. तो कहाँ कहाँ ज्यादा है, ज्यादा है कहाँ, एल्वियोली में, है ना? ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ है, एल्वियोली में, है ना? और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है डीऑक्सी ब्लड में, 40, है ना? CO2 कितना है, 45, और CO2 यहाँ कितना है एल्वियोली में, 40. तो बेसिकली क्या होगा, CO2 जो है वो क्या होगा, CO2 चला जाएगा आपका एल्वियोली में एंड O2 आ जाएगा आपके ब्लड में, है ना? तो CO2 आपका कहाँ चला जाएगा, CO2 आपका चला जाएगा एल्वियोली में, क्योंकि देखो जो यहाँ पे CO2 मैंने बोला इट इज 45 एंड O2 कितना है बेटा 40 है, O2 कितना है 40 है ना? तो क्या होगा, जो CO2 है वो एल्वियोली में चला जाएगा एंड एल्वियोली से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगा, कहाँ आएगा बेटा, पल्मोनरी वेन. तो ये कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है? पल्मोनरी वेन आपको पता है, पल्मोनरी वेन इज द वेन व्हिच कैरी ऑक्सी ब्लड. नॉर्मली आपका ब्लड जो है वो कैरी करता है डीऑक्सी ब्लड, ठीक है? वेन कैरी करता है डीऑक्सी ब्लड, पर पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन व्हिच कैरी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ठीक है? तो पल्मोनरी वेन में क्या आ गया बेटा, आपका ऑक्सी ब्लड होगा. अब यहाँ पे अगर आप देखो, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है, बेटा, तो पल्मोनरी वेन में क्या होगा, पल्मोनरी वेन में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा 95 mmHg. देखो नेचुरल सब आते हैं, एल्वियोली से तो कम ही होगा ना, क्योंकि जब गैसेस डिफ्यूज हो रही है तो यूज अप होगा, तो कहीं वो जो प्रेशर है कम होता जाएगा. एल्वियोली में 104 था, यहाँ पे 95 है ना? और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना रहेगा, 40 mmHg, ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा आपका 40 mmHg. अब ये कहा जाएगा सिस्टमिक आर्टरी भी सेम यही रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी 95 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी 40 mmHg, ठीक है? अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ये जाएगा बेटा आपके डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज में, है ना? बॉडी के टिश्यूज में जाएगा. अब बॉडी के टिश्यूज में बेटा क्या होगा, बॉडी के टिश्यूज में जब एक्सचेंज होगा तब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 95 है ना, 95 है, और CO2 कितना है, CO2 इज 40. तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है, तो क्या होगा ये बेटा, बॉडी टिश्यू में इतना जाएगा, और वहां पे टिश्यू में जब ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, CO2 रिलीज होगा, तो वापस क्या होगा, ये देखो यहाँ पे जो सिस्टमिक वेन है इसमें क्या होगा, सिस्टमिक वेन में क्या होगा आपका, यही सेम कॉन्सेंट्रेशन की पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी 45 एंड ऑक्सीजन विल बी 40, और ये चीज वापस बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो मतलब वापस ये पूरा सर्कल घुमा ऐसा, सिस्टमिक वेन, देन पल्मोनरी आर्टरी, एल्वियोली, और फिर आप एयर क्या करोगे बेटा, आप फिर एयर बाहर निकालोगे, एक्सपायरेशन, एयर आप बाहर निकालोगे. जब आप एयर बाहर निकालोगे उस टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, जब आप एयर बाहर निकालोगे तब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, 116 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 32 mmHg. यानी कि आप जो 21% में बोल रही थी आपको कि 21% ऑक्सीजन जैसे रहता है, तो बेसिकली आप वापस 16% निकाल देते हो. जब हम एक्सहेलेशन करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि वो सिर्फ CO2 ही होता है, आपका 16% भी जो है वो निकलता है. तो बेसिकली अगर हम देखें ओवरऑल, अगर 100% उसका सिर्फ 25% बॉडी यूटिलाइज करती है, बाकी 75% वापस रिटर्न हो जाता है. क्लियर हुआ बात, ये समझ में आया? अब ये डायग्राम आपको अच्छे से, ये डायग्राम क्या बोल रहा है, क्लियर हुआ? ओके. इसके अलावा भी बेटा एक टेबल दे रखी है यहाँ पे,
ये वाला है ना, इसके क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं, ये समझाती हूँ मैं आपको। समझो बेटा, ये आपकी कोचिंग क्लास है ना, ये आपकी कोचिंग क्लास है और ये कोचिंग क्लास का मेन दरवाजा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा रिसेप्शन एरिया वगैरह है और फिर क्लासरूम है ना, क्लासरूम है, ये अभी क्लासरूम के दरवाजे हो गए और यहाँ आपके विंडोज है, ठीक है। अब बेटा क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैंने क्या किया, विंडोज मैंने बंद कर दी है, गेट मैंने बंद कर दिया मेरी क्लासरूम का, फाइन। अब क्या होगा, अंदर आप सब बच्चे लोग बैठे हो है ना, तो आप लोग क्या कर रहे हो, इनहेलेशन ऑक्सीजन, बाहर CO2, तो ऐसे आप कर रहे हो, कुछ वेंटिलेशन नहीं है रूम में, तो क्या होगा, कोई वेंटिलेशन अगर रूम में नहीं है तो नेचुरल सा बात है, अमाउंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज एंड अमाउंट ऑफ O2 विल डिक्रीज। फिर आप लोग मुझे बोलोगे मैम या तो खिड़की खोलो या हमें बाहर जाने दो, है ना। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ बाहर आ जाएंगे रिसेप्शन एरिया में, तो रिसेप्शन एरिया में जो बच्चे आएंगे उनको क्या मिलेगा, उनको O2 थोड़ा मिलेगा और CO2 बेसिकली वहाँ पे कम होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हमें तो बहुत ज़्यादा ही सफोकेशन हो रहा है, हमें तो एक बार क्लासेस से ही बाहर निकलना है, तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे O2 बहुत ज़्यादा है, एटमोसफेयर में एकदम आ गए, O2 बहुत ज़्यादा है और CO2 बहुत ज़्यादा कम है, बस यही तो है ये पूरा मैकेनिज्म। ये चीज़ बेटा आपको डबल सर्कुलेशन आता ही होगा, डबल सर्कुलेशन अगर किसी को नहीं आता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे आपका समझो लंग्स कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे ऐसे बॉडी समझ लो, है ना। तो क्या हो गया, बॉडी से डी ऑक्सी ब्लड आया राइट एट्रियम में, बॉडी से डी ऑक्सी ब्लड आया राइट एट्रियम में, फिर वो गया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाएगा कैसे, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे ये शो किया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, ये आपका जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से आप देख रहे हो, ये देखो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है डी ऑक्सी ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी द लंग्स, ठीक है। फिर लंग्स से क्या हुआ, लंग्स से साफ सफाई करी, आई मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ में ना, एल्वियोली का पार्शियल प्रेशर और यहाँ पे जो आपका जो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है ब्लड उसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंस था, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, अब क्या हुआ, ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ एंड लंग्स से आया ब्लड कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। आप देख सकते हैं पल्मोनरी वेन देखो एट्रियम में लेके आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रियम पूरी बॉडी को भेजेगा। आप देख सकते हैं ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम है पूरी बॉडी में भेज रहा है, क्लियर, ओके। तो ये वाला भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर देखो तो एटमोसफियर में बहुत ज्यादा था, एटमॉस्फेयर में कितना था बेटा, 159 है ना, एटमॉस्फेयर में कितना था 159 mmHg। फिर हम गए एल्वियोली में, एल्वियोली में कितना था 104 mmHg। एल्वियोली से हम गए ब्लड में, डी ऑक्सी ब्लड था तो डी ऑक्सी ब्लड में कितना था 95, और फिर हम गए आगे है ना टिश्यूज में तो कितना था 40, राइट। सेम अगर आप देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो इसमें उल्टा चलना है हमें, टिश्यूज में कितना था 45, फिर आप ब्लड में आए है ना, ब्लड में डी ऑक्सी हो तो देखो, अगर आप देखो डी ऑक्सी में आपको यहाँ 40 दे रखा है, ऑक्सी में 95, तो मैंने सीधा आपको ऑक्सी वाला बताया, और ये नेचर सा बात है टिश्यूज में काम होगा तो टिश्यू विल कैरी डी ऑक्सी ब्लड, तो वहाँ पे 40 दिखाया हुआ है ना। अब 45 हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ जाएगा बेटा, ब्लड में, ब्लड में इट इज 45, फिर एल्वियोली में कितना होगा 40, और एटमॉस्फेयर में कितना होगा 0.3,
क्लियर एटमॉस्फेयर में कितना होगा 0.3। पर अगर हम देख अगर मैं इसे बाहर निकालूं तो बाहर निकालने से देखो आप देख सकते हो पार्श्वपृष्ठ ऑफ CO2 जो है वो 32 mmHg है। तो बेसिकली यहाँ जो आपको बता रखा है ना यहाँ पे वो किसका बता रखा है जो हम अंदर लेके जा रहे हैं है ना। तो यहाँ पे वैसे हम बाहर निकालते हैं जो CO2 उसका पार्शियल प्रेशर रहता है बेटा 32 mmHg और फिर ये एटमोसफियर में 0.3 mmHg राइट क्योंकि हम जो बाहर एक्सपायर कर रहे हैं दैट इज 32 mmHg। ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 है जो हम ले रहे हैं अंदर कर रहे हैं एक्सपायर कर रहे हैं। क्लियर समझ में आया क्लियर हो गया ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत इजी है। ये वैल्यूज आपको समझ में आई गई होगी हाँ एल्वियोली का ब्लड का और टिश्यू का राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम मूव करेंगे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बहुत ध्यान से समझना बेटा इस टॉपिक को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पहला है हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली हमें दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वी विल स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है दो तरीका है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का। एक होता है 97% होता है विथ हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ना ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ना HbO2। तो बेसिकली दिस इज नोन एज ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं होता हेमोग्लोबिन प्लस O2 का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा जस्ट फॉर टाइम बिंग वो बाइंड हो रहा है और फिर वो अनलोडिंग कर देगा लोडिंग अनलोडिंग हो रही है ठीक है। और 3% होता है एज प्लाज्मा मतलब डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है एज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। मैक्सिमम जो होता है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ही होता है। सो वी ऑल नो दैट हेमोग्लोबिन क्या है बेटा हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन ठीक है क्वार्टनरी प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन आपका क्वार्टनरी प्रोटीन है जिसके पास दो अल्फा एंड दो बीटा चेन होता है। हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल आयन होता है आयरन ठीक है। हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल आयन होता है आयरन। जैसे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैंने देखा था कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है सेंट्रल मेटल आयन वैसे ही हेमोग्लोबिन के केस में आयरन। तभी बोला जाता है कि अगर आप किसी को अगर एनीमिया है तो उसको आयरन की टैबलेट्स दी जाती है क्योंकि अगर आयरन जाएगा बॉडी में तभी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी आयरन की टैबलेट दी जाती है ताकि ब्लड की डिफिशियंसी ना हो क्योंकि हेमोग्लोबिन अगर बनेगा तो आयरन चाहिए बिकॉज हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल में है वो आयरन है इसके लिए ठीक है ओके। तो 97% आपका ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होता है बेटा एज हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड 3% होता है डिसॉल्व इन प्लाज्मा। जबकि CO2 केस में अभी उल्टा है CO2 में लाइक अराउंड 77% जो होता है प्लाज्मा के थ्रू होता है ठीक है। रीजन बिहाइंड जो सोल्युबिलिटी है वो CO2 की ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन 20-25 टाइम्स ज्यादा सोल्युबल है CO2 20-25% ज्यादा सोल्युबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन दैट्स व्हाई ओके ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ठीक है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका शेप देखो आप देख सकते हो इसका ऐसा शेप है एस शेप है तो इसे बोलते हैं हम सिग्मोइड कर्व। इसका शेप कैसा है एस शेप है ना इसका शेप कैसा है एस शेप्ड है इसलिए इसे बोला जाता है सिग्मोइड कर्व। एस शेप है इसे हम बोला जाता है सिग्मोइड कर्व ठीक है। क्या बता रहा है ये जो आप देखो कर्व आपका जो एक्स एक्सिस है
वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और जो आपका वाई एक्सिस है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन दे रखा है ना। अब बेटा अगर आप देखो तो क्या है, मैंने आपको बोला कि जो हेमोग्लोबिन है बेटा, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इसमें दो अल्फा एंड दो बीटा चेन होता है, राइट, ये मैंने आपको बताया। अब बेटा देखो एक हेमोग्लोबिन पे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं, एक हेमोग्लोबिन पे कितने O2 के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा बच्चों 4, यहाँ पे O2, यहाँ पे O2, यहाँ पे O2 और यहाँ पे O2। तो बेटा ये सुनिए आप ध्यान से, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, केवीपीओ एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन था ये केवीपीओ एग्जाम का 2018 में, 17 या 18 वाले पेपर में, कि कितने ऑक्सीजन के एटम बाइंड करते हैं हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, कितने ऑक्सीजन के एटम पूछा था, एटम होने से क्या हो जाएगा बेटा 4 × 2 यानी कि 8 ऑक्सीजन के एटम बाइंड करते हैं हेमोग्लोबिन से। तो बच्चों आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो ऐसा ध्यान से पढ़ना कि मॉलिक्यूल पूछा है कि एटम पूछा है, ठीक है, मॉलिक्यूल पूछा गया है कि एटम पूछा गया है, बेटा ध्यान से देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बाइंड टू वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तब हम बोलेंगे 4, हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड टू वन हेमोग्लोबिन, तब हम बोलेंगे 4। अगर ऐसा पूछा कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स बाइंड टू वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तब हम बोलेंगे 8 एटम्स, ठीक है, ये क्लियर हुआ एक क्वेश्चन है ना। प्लीज आप ध्यान रखना ये क्या पूछा है कि एक हेमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, या फिर एक हेमोग्लोबिन पे कितने ऑक्सीजन के एटम बाइंड करते हैं, राइट, ओके। अब ये आपको सेचुरेशन वाली बात में बताती हूँ, है ना, सेचुरेशन क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली सेचुरेशन क्या होता है, अब एक आरबीसी है, एक आरबीसी में बहुत सारे हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है। अब आप क्या कर रहे हो, आप O2 का लेवल बढ़ते जा रहे हो, O2 का लेवल आप बढ़ा रहे हो, बट जितना हेमोग्लोबिन है आरबीसी में अगर उसमें सारे ऑक्सीजन बाइंड कर गए तो आप और ऑक्सीजन बढ़ाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो खत्म हो चुके हैं, जैसे आपका ये एंजाइम और सबस्ट्रेट में होता है, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा एंजाइम है, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट इन हो गए हैं, अब और कोई एंजाइम बची नहीं है, आप कितना ही सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ बाइंडिंग तो नहीं होने वाली, बिकॉज जितने भी एंजाइम्स है वो ऑलरेडी बाइंड हो चुके हैं सबस्ट्रेट पे, राइट, सेम इस केस में होता है। तो ये जो बाइंडिंग होती है हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की उसे हम सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है, जो बाइंडिंग होती है हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की उसे हम सैचुरेशन कहते हैं, क्लियर हुआ। अच्छा अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 100% सैचुरेशन हो गया है ना, अब फर्दर कोई भी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को बाइंड नहीं कर सकता, समझ में आया, इस कर्व को हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, क्योंकि वो एस शेप का बनता है, क्लियर। अब बेटा इसमें दूसरी चीज क्या है, इसमें दूसरी चीज ये है कि इसमें अब ये बाइंड हुआ, ठीक है, ये बाइंड हुआ एक बात है, अब ये डिसोसिएट भी तो होना चाहिए, मतलब एक्चुअली देखो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग हुई, ठीक है, अब टिश्यूज में ये डिसोसिएट भी तो होना चाहिए, है ना, तो ये कब डिसोसिएट होगा, कब हेमोग्लोबिन एसोसिएट होगा, तो इसमें कंडीशंस होती है, ठीक है, एक होती है फेवरेबल कंडीशंस, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशंस। अब समझो फॉर एग्जांपल अभी क्या है बेटा, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो ये कर्व जो है ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब क्या होगा, ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब फेवरेबल कंडीशंस होगी तब ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और इसे हम बोलेंगे और राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, इसे बोला जाता है राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, इसे बोला जाता है राइट शिफ्ट एंड इसे बोला जाता है लेफ्ट शिफ्ट, गेटिंग माई पॉइंट, ओके, ऐसा थोड़ी ना कि उसको हरदम लिख के रखना है, मैंने कहा ना दिस इज
ऑक्सीजनेशन पार्सियल ऐसा है, होल्ड करके रखा है, फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो कब छोड़ता है, कब पकड़ता है, वो सब केसेस हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। तो मैंने कहा अगर ये ऐसे गया तो इसे हम बोलेंगे राइट शिफ्ट, अगर ऐसे गया तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट राइट शिफ्ट, है ना। राइट शिफ्ट, तो मैंने बोला राइट शिफ्ट कब होगा, राइट शिफ्ट होगा बेटा ड्यूरिंग ड्यूरिंग राइट शिफ्ट होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, याद करते चलिए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। राइट शिफ्ट कब होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस है मतलब क्या, कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो रहे हैं, दोनों का ब्रेकअप हो रहा है। तो लिखेंगे ब्रेकअप नहीं, डिसोसिएशन लिखेंगे हम, डिसोसिएशन ऑफ HbO2 दैट इज ऑक्सीहेमोग्लोबिन। अब इस चीज को किसने डिस्कवर किया, एक बहुत ही महान इंसान है बोहर ने, तो हम लोगों ने बोल दिया दिस इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी करी ना यार, तो हमने बोल दिया बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आती है किसकी बच्चों, हमारी लेफ्ट शिफ्ट की, है ना, उसको भी कर लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट उल्टा है, लेफ्ट शिफ्ट कब होगा बच्चों, लेफ्ट शिफ्ट होगा ड्यूरिंग 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 फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, लेफ्ट शिफ्ट होगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इस वक्त हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, है ना। एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, दोनों का एसोसिएशन होगा। ये बताने वाले कौन थे महान इंसान, ये बताने वाले थे महान इंसान हेल्डन जी, तो हमने बोल दिया इसको हेल्डन्स इफेक्ट, ठीक है, इसे बोल दिया हेल्डन्स इफेक्ट। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब राइट शिफ्ट की बात हो तो बोहर्स इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्ट की बात हो तो हेल्डन्स इफेक्ट, है ना, नाम क्लियर हो गए। अब कब राइट शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये कौन सिखाएगा आपको, मैं ये सिखाऊंगी, है ना। वो सिखाने से पहले पहले एक P50 की बात कर लेते हैं, है ना। P50 देखो, ये 20 है, ये 40 है, यहाँ पे आपका 50 होगा, है ना, यहाँ पे आपका 50 होगा, यहाँ पे होगा 50, है ना। इसे बोला जाता है बेटा P50। P50 वैल्यू मतलब क्या हुआ, P50 वैल्यू मतलब क्या हुआ कि अभी 50% हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो चुकी है, है ना। लाइक P50 वैल्यू ये बताता है कि 50% हेमोग्लोबिन जो अभी सैचुरेटेड है, हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड मतलब 50% हेमोग्लोबिन पे अभी ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपका कर्व राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा, आपका राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर इधर राइट शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आपका P50 वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, राइट शिफ्ट होने पे P50 वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट होने पे आपका P50 वैल्यू जो है वो कम होगा। और P50 वैल्यू पे इस टाइम पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 25 mmHg। P50 वैल्यू मतलब हाफ ऑफ द हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, है ना, हाफ ऑफ द हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, राइट, हाफ ऑफ द हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। जब P50 वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज होगी, मतलब कर्व जो है वो राइट शिफ्ट करेगा, P50 वैल्यू जब कम होगी मतलब कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा, है ना। P50 वैल्यू भी आप समझ गए हैं अच्छे से, ओके आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि कब एक्चुअली राइट शिफ्ट होगा, कब। तो राइट शिफ्ट बेटा जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, ठीक है। P50 वैल्यू मैंने क्या बोला, इंक्रीज होगी, अभी बताया आपको कि P50 वैल्यू जो है आपकी वो इंक्रीज होगी,
टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा. देखो नेचुरल सा बात है ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ लाइक 40 डिग्री सेल्सियस जैसे है, उतना बढ़ गया तो क्या होगा, आपका नीड ज्यादा पड़ेगा ना, तो P50 वैल्यू इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा. तो ऐसी कंडीशंस कहाँ मिलेगी आपको, नियर द टिश्यूज, है ना. ये सब कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, नियर द टिश्यू, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे डिसोसिएशन होगा ना, लाइक O2 जो है वो जाएगा ना, डिसोसिएशन होगा, राइट. क्योंकि तभी तो भाई टिश्यू में पहुंचेगा, तभी तो ग्लूकोज टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है या नहीं. तभी तो ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा ना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में चाहिए ना टिश्यूज में. तो बेसिकली नियर द टिश्यूज ये मिलेगा हमें, डिसोसिएशन होगा, ठीक है. उल्टा आते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है ना, इजीली हेमोग्लोबिन और O2 फटाफट बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है आपका, ज्यादा है. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, कम है ना. अच्छा एक इसमें ये भी आता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर ज्यादा है ना, तो उस टाइम पे आपका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है, और उस टाइम पे H+ ज्यादा है मतलब आपका pH एसिडिक है, pH आपका कम है, pH एसिडिक है. और यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, कम है, तो नेचर सब आता है H+ आयन कम है, pH ज्यादा है मतलब एल्कलाइन कंडीशन होगी, ठीक है. P50 वैल्यू क्या होगा, कम होगा, P50 वैल्यू कम होगा. टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. कहाँ होगा बेटा ये, लंग्स में, लंग्स में ऐसा होगा बिकॉज बेटा लंग्स में एल्वियोली में कितना ज्यादा आपका ऑक्सीजन है, तो फटाफट क्या होगा, बाइंडिंग हो जाएगा हेमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन. तो ये वाली कंडीशन आपको मिलेगी नियर दी लंग्स, है ना. ये वाली कंडीशन में कहाँ मिलने वाली है, नियर दी लंग्स. अच्छा अब जो मैंने ये CO2 वाला और H+ आयन वाला बात बोला, ये आपको अभी 10 मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, कि जब CO2 ज्यादा है तो H+ ज्यादा है तो नेचुरल सा बात है pH इज एसिडिक, है ना. H+ आयन अगर ज्यादा है तो pH क्या है बेटा, एसिडिक, राइट. चलो तो CO2 वाली बात अब मैं आपको समझा देती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. तो CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है विथ हेमोग्लोबिन, जिसे हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, HbCO2, ये भी बस पार्शियल बाइंडिंग है. देन 70% होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस, 70% होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस, HCO3. बाइकार्बोनेट आयन मतलब HCO3, है ना. अब बेटा ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना ना, ये तो RBC बनता है, ध्यान से सुनना. बाइकार्बोनेट आयन बनेगा कहाँ, RBC में बनेगा, पर बनने के बाद बेटा ये प्लाज्मा में चले जाएंगे, दे विल एंटर इन प्लाज्मा. बनने के बाद दे विल एंटर इन प्लाज्मा एंड देयर दे विल कंबाइन विद इन प्लाज्मा, यू नो सोडियम आयंस आर प्रेजेंट, सो देयर बाइकार्बोनेट आयन विल कंबाइन विद सोडियम एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना. तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो 70% है ये भी कैसे प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हुआ ना, एंड रिमेनिंग 7% इन डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, डिजोल्व फॉर्म, डिजोल्व इन प्लाज्मा. सो अगर आप टोटल कोई आपसे पूछे बेटा, ये आपको नीट में क्वेश्चन मिल सकता है कि RBC के थ्रू कितना होता है, ओनली 23% एंड 77% होता है थ्रू प्लाज्मा, 23% थ्रू RBC एंड 77%, 70+7, 77% होता है थ्रू प्लाज्मा CO2 का. तो CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होता है. रीजन बिहाइंड CO2 इज मोर सोल्यूबल, CO2 हैज 20 to 25 times हाई कैपेसिटी सोल्यूबिलिटी की, राइट. ओके आगे चलते हैं. सो पहले करते हैं लोडिंग ऑफ CO2.
लोडिंग, सामान की लोडिंग कहाँ होगी बेटा बताओ, जहाँ उसका प्रोडक्शन होगा, है ना? सामान की लोडिंग हम वही करेंगे ना जहाँ उसका प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन कहाँ होता है CO2 का? सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम, मतलब नियर टिश्यूज। तो CO2 आपको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? नियर टिश्यू, है ना? तो चलो एक टिश्यू बना लेते हैं, ये है आपका टिश्यू, है ना? स्टडी ऑफ टिश्यूज नोन एज हिस्टोलॉजी, राइट? तो ये बन गया एक टिश्यू। टिश्यू के अंदर कौन है भाई? टिश्यू के अंदर है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है? और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यूज होगा और बन जाएगा CO2 प्लस एनर्जी, है ना? वो सब छोड़ो, पूरा CO2 बना देते सीधा, है ना? तो CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया। अब CO2 कहाँ जाएगा बेटा? हमने कहा दो तरीके हैं, या तो लाइक 20% RBC के थ्रू और बाकी प्लाज्मा, है ना? तो चलिए पहले बनाते हैं अपन एक RBC। RBC है ये ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। तो अभी 23% कैसे होने वाला है? थ्रू RBC, है ना? तो ये CO2 जो है वो 23% का बता रही हूँ मैं ये, है ना? 23% का क्या होगा? हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है अभी, है ना? आरबीसी में हेमोग्लोबिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, मैंने कहा आपको, है ना? एंड क्या हुआ, एल्वियोली में हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बेसिकली बाइंड कर गए, है ना? अब आरबीसी के पास क्या है? हेमोग्लोबिन है विथ ऑक्सीजन। अब वही थ्रू सर्कुलेशन पहुंच गया टिश्यूज के पास, है ना? उस टाइम भी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, है ना? तो कैसे होगा? तो मैंने कहा 23% CO2 हेमोग्लोबिन कैरी करेगा। कैसे कैरी कर पाएगा? उससे हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को तोड़ना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन मैंने बताया आपको नियर द टिश्यूज होता है, देखिए डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन नियर द टिश्यूज, क्योंकि उस उधर क्या है, CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा है, राइट? सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों आपस में ब्रेकअप कर लेंगे, क्यों? क्योंकि CO2 आ गया बीच में। अब क्या होगा, HbCO2 बन जाएगा, दैट इज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बन जाएगा, है ना? एंड मजे की बात यह है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, नो एंजाइम। ये जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं एंड HbCO2 बन रहा है, इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, क्लियर? अब ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम 70% की बात करेंगे। 70% CO2 जो है अब वो जाएगा RBC में। RBC में बनाते हैं ये लोग बाइकार्बोनेट आयन। कैसे बनाते हैं? देखो, CO2 प्लस पानी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर्म H2CO3। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बन जाएगा? H2CO3। अब H2CO3 भी टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, किसमें? H+HCO3 आयन, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, वापस आओ शिफ्ट पे। जब CO2 बढ़ेगा तो हेमोग्लोबिन भी बढ़े, H+ आयन भी बढ़ेगा। जब CO2 बढ़ेगा तो H+ Ion भी बढ़ेगा। देखिए, CO2 बढ़ेगा तो H+ Ion भी बढ़ेगा, ठीक है? अब ये जो HCO3 है, ये बाइकार्बोनेट आयन्स जो है, ये बाइकार्बोनेट, ये लोग क्या है यहाँ पे, यू नो RBC है, RBC सेल है ना भाई, सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो यहाँ पे चैनल्स है, इसके थ्रू क्या होगा, HCO3 जो है बेटा जी, वो बाहर निकल जाएगा RBC से। RBC के बाहर क्या है? एक अलग दुनिया है प्लाज्मा की।
तो SU3 कहाँ पहुंच गया? SU3 पहुंच गया है प्लाज्मा में. SU3 कहाँ पहुंच गया है? SU3 पहुंच गया है प्लाज्मा में. बाइकार्बोनेट आयंस पहुंच गए हैं प्लाज्मा में. प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइन होंगे विद सोडियम. हो गए कंबाइन और क्या बना दिए? ये बना दिए Na, अरे ये बना दिए NaHCO3, NaS सोडियम बाइकार्बोनेट. किसमें बना? ये इन प्लाज्मा, है ना, लिखा हुआ वैसे प्लाज्मा में बना. तो हो गया 70% ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब बेटा अगर आप एक नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट नेगेटिव है ना, HCO3 माइनस नेगेटिव है, आप बाहर निकाल रहे हो, है ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, आप ये बाहर निकाल रहे हो ना, इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस का चेंज हो रहा है. तो अगर आपने कुछ नेगेटिव निकाला है तो कुछ नेगेटिव आपको डालना ही पड़ेगा. तो चलो डाल देते हैं हम डाल देंगे क्लोराइड, हम डाल देंगे क्लोराइड, है ना, क्लोराइड आयंस हम डाल देंगे. इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट, इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट. हम क्लोराइड आयंस डाल देंगे, हम अंदर क्या करेंगे बेटा, हम क्लोराइड आयंस डाल देंगे. इसे बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट. क्लोराइड शिफ्ट क्या होगा बेटा, आपके जो Cl आयंस है वो RBC में जाएंगे. क्यों जाएंगे? फॉर मेंटेनिंग पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्यों हुआ? फॉर मेंटेनिंग पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. अच्छा, क्लोराइड शिफ्ट को एक इंसान ने डिस्कवर किया ना, हैमबर्गर जी ने, इसलिए इसे हम बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमेनन. बर्गर, बर्गर तो पता ही है ना, हैमबर्गर, बर्गर से याद रख लो, हैमबर्गर फिनोमेनन, हैमबर्गर फेनोमेनन. ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर फिनोमेनन में कहा जाता है. तीन लोग हैं ना, एक तो बोहर जी, एक हेल्डन जी, बोहर राइट शिफ्ट हेल्डन जी, लेफ्ट शिफ्ट क्लोराइड शिफ्ट हैमबर्गर फिनोमेनन. ठीक है, चलो क्लोराइड चला गया. अब क्या है बेटा, अब यहाँ पे आपका जो हेमोग्लोबिन है, है ना, देखो H प्लस आयन बढ़ गया है, है ना, H प्लस आयन बढ़ गया है अभी, तो बेसिकली H प्लस आयन बहुत ज़्यादा है ना, इसका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा H प्लस आयन का. तो RBC में हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा है. अब हेमोग्लोबिन जो है विल एक्ट लाइक बफर. अब हेमोग्लोबिन विल एक्ट लाइक, एक्ट एज बफर. अब हेमोग्लोबिन काम करेगा बफर का, और यहाँ पे क्या होगा, हेमोग्लोबिन खुद से ऑक्सीजन अलग करेगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर आ जाएगा आरबीसी से, और हेमोग्लोबिन खुद बाइंड कर जाएगा H प्लस आयन से, क्योंकि H प्लस आयन बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए ऐसा होगा और बन जाएगा HHB, दैट इज हेमोग्लोबिनिक एसिड. क्या बन जाएगा? हेमोग्लोबिनिक एसिड. क्या बन जाएगा बेटा? हेमोग्लोबिनिक एसिड. एक्चुअली ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन एक ही, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो कुछ तो 23% तो CO2 लेके चला जाएगा, बाकी जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है उसको जो ये H प्लस आयन है ना वो तोड़ देगा. ठीक है, H प्लस आयन क्या करेगा, वो तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कैसी हो गई है, आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो इस चीज़ वजह से हेमोग्लोबिन विल एक्ट लाइक बफर. पता है ना बफर, वो बफर का काम क्या होता है कि वो pH बैलेंस करके चलता है, राइट, क्योंकि अभी जो pH है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो हेमोग्लोबिन विल एक्ट लाइक बफर. एंड हेमोग्लोबिन क्या करेगा बच्चों, हेमोग्लोबिन खुद को बोलेगा ऑक्सीजन तुझा, मैं H प्लस आयन से कंबाइन होऊंगा और बनाऊंगा हेमोग्लोबिनिक एसिड, ऑक्सीजन RBC से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लोडिंग ऑफ CO2. हाँ, और जो 7% रिमेनिंग 7% है वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके, अब बात करेंगे अपन अनलोडिंग ऑफ CO2. लेट्स स्टार्ट विद अनलोडिंग ऑफ CO2. अनलोडिंग ऑफ CO2 कहाँ होगी बच्चों? अनलोडिंग ऑफ CO2 कहाँ होगी?
अनलोडिंग ऑफ सीओ टू कहाँ होगी? जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है. ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है बच्चों? एल्वियोली में, है ना. एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना ज्यादा है? एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा वो बहुत ज्यादा है, राइट. तो यहाँ पे एल्वियोली में, मतलब नियर एल्वियोली, अनलोडिंग ऑफ सीओ टू होगी. अब क्या होगा, एल्वियोली में कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है. तो नाउ ऑक्सीजन विल टेक बदला फ्रॉम सीओ टू, राइट, नियर एल्वियोली. कि तूने बहुत बदमाशी करी अब तू देख. अभी देखो, अभी जो आरबीसी है ना, उसमें क्या क्या है? अभी जो आरबीसी है उसमें क्या क्या है? अभी जो आरबीसी है उसमें हेमोग्लोबिन सीओ टू है. अभी जो आरबीसी है उसमें H2CO3, ठीक है, वो बताती हूँ. H2CO3 प्लाज्मा के थ्रू हुआ था. अच्छा, ये सारे बस रिवर्स करने हैं अपने को. अभी H+ HCO3 और हेमोग्लोबिनिक एसिड, है ना, ये सब बना था. चलो लेते हैं बदला. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हेमोग्लोबिन CO2 मतलब कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन है. तो ये जो एल्वियोली में ऑक्सीजन है ना, ये क्या करेगा, ये आरबीसी में जाएगा और सबसे पहले क्या करेगा, अब ये ब्रेकअप कराएगा हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का. क्या बन जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन. क्या बन जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन. अब क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस वापस काम करेगा. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वापस काम करेगा और बना देगा CO2+ water, है ना, CO2+ water. कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम किया H+ और ये इसने क्या बना दिया H2CO3 और H2CO3 ने क्या किया, वाटर और CO2 फिर से बना दिया. अब क्या होगा, जो CO2 है, CO2 जो है वो डिफ्यूज होके चला जाएगा कहाँ, एल्वियोली में, है ना, डिफ्यूज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो आपका हेमोग्लोबिनिक एसिड था, हेमोग्लोबिनिक एसिड था तो इसमें ही से तो बेसिकली H+ यहाँ जाएगा. या देखो अभी यहाँ पे आप समझो, बाहर क्या है, बाहर प्लाज्मा है ना. तो प्लाज्मा में क्या था, NaHCO3 था. प्लाज्मा में क्या था, NaHCO3. अब प्लाज्मा में जो सोडियम बाइकार्बोनेट थे, ये किसमें टूट जाएंगे, ये फिर से टूट जाएंगे बेटा सोडियम और HCO3 में. अब HCO3 जो है वो चला गया, है ना. अब HCO3 जब यहाँ जाएगा, HCO3 जब RBC के प्लाज्मा में थ्रू यहाँ पे जाएगा, उस टाइम क्या होगा, कुछ निकलना भी पड़ेगा. तो जो RBC में क्लोराइड आयन्स थे ना, क्लोराइड आयन्स वो वापस बाहर निकल जाएंगे. तो क्लोराइड क्या हुआ, वापस प्लाज्मा में आ जाएगा, ठीक है. अभी जो HCO3 है ये कंबाइन होगा हाइड्रोजन से. अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो ये जो आपने एसिड बनाया था ना, हेमोग्लोबिनिक एसिड, तो हेमोग्लोबिनिक एसिड तो टूट जाएगा ना इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे एल्वियोली में O2 बहुत ज्यादा है ना, एल्वियोली में O2 बहुत ज्यादा है. तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे इसकी वजह से, यहाँ पे O2 की वजह से, यहाँ पे O2 ऐड होगा, बन जाएगा आपका हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा आपका. एंड ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. देखो आप, हेमोग्लोबिन जब लोडिंग का काम चल रहा था CO2 का, जब लोडिंग का काम चल रहा था CO2 का, उस टाइम पे हेमोग्लोबिन काम कर रहा था एज बफर, और यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड. समझ में आया, यहाँ पे हम अनलोडिंग कराया, तो पहले मैंने आपको वो चीजें लिख दी जो CO2 वाली थी, है ना. तो वो कैसे टूटा, रिवर्स कंडीशन. देखो प्लाज्मा में क्या था, NaHCO3 था. अब ये नियर एल्वियोली, ये NaHCO3 जो है वो टूट जाएगा किसमें, सोडियम और HCO3 में. अब HCO3 जो है वो RBC के प्लाज्मा में जाएगा,
जब वो जाएगा तो कोई जो सीएल थे वो भी बहुत ज्यादा थे ना आरबीसी में, तो वो फिर निकलेंगे, वो निकल के चले गए प्लाज्मा में ताकि वही पोटेंशियल मेंटेन रहे। अभी SCO3 कंबाइन हो गए H+ से, H+ कैसे आएगा, जो हेमोग्लोबिन एसिड है वो टूट जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड बन जाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, राइट। और ये H+ जो है वो कंबाइन हो जाएंगे SCO3 से। अब SCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या कर देगा, H2CO3 बना देगा, H2CO3 टूट जाएगा H+ और CO2 में। तो अभी आप कंडीशन देखो, H+ का नंबर कम हो रहा है, CO2 का अमाउंट कम हो रहा है, H+ का अमाउंट कम हो रहा है, CO2 का अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका ये लेफ्ट शिफ्ट है ना, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट है, मतलब एसोसिएशन हो रहा है किसका, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। क्लियर हुआ ये बात? तो दिस इज आपका अनलोडिंग ऑफ CO2। तो आप ये समझ सकते हो बच्चों कि जब आपका लोडिंग ऑफ जब आपका लोडिंग और अनलोडिंग, रुको ऐसे लिख लेते हैं अपन, लोडिंग ऑफ CO2 और यहां पे लिख लेते हैं अनलोडिंग ऑफ CO2। तो बच्चों जब लोडिंग ऑफ CO2 होता है उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, उस टाइम पे हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, दैट इज बोहर्स इफेक्ट, डिसोसिएशन होगा है ना, बोहर्स इफेक्ट। उस टाइम पे Cl आयन क्या होंगे, Cl आयन जो है वो जब लोडिंग होगी बच्चों, जब आपकी लोडिंग होगी तो Cl आयन्स क्या होंगे, आपके Cl आयन्स कम हो जाएंगे इन प्लाज्मा, Cl डिक्रीजेस इन प्लाज्मा, ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। जब लोडिंग होगी तो Cl प्लाज्मा में डिक्रीज हो जाएंगे ताकि वो, सॉरी, Cl क्या करेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए आरबीसी के अंदर चला जाएगा क्योंकि SCO3 बाहर आया था, राइट। अब जब अनलोडिंग होगी, जब अनलोडिंग होगी बेटा, उल्टा केस बोल रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो पार्शियल, अरे सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाएगा, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, दैट इज हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेंस इफेक्ट एसोसिएशन होगा, मतलब हेल्डेंस इफेक्ट। और आपका जो सीएल है, जो सीएल है वो क्या होगा, सीएल इंक्रीज इन प्लाज्मा, सीएल इंक्रीज इन प्लाज्मा है ना। तो बेटा आपका बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अनलोडिंग के दौरान जब आपका अनलोडिंग हो रहा है ना, उस टाइम पे NaSCO3 विल एक्ट एज बफर, यहाँ पे प्लाज्मा में जो NaSCO3 है ना, इट विल एक्ट एज बफर, ठीक है, इट विल एक्ट एज बफर और ये टूट जाएगा इसमें Na और HCO3 में, फिर HCO3 जो है वो आरबीसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये जो HCO3 टूटा ये बेसिकली आपका चैनल्स के थ्रू आरबीसी में चला जाएगा, आया समझ में? लोडिंग अनलोडिंग वाली बात क्लियर हो गई? तो बेसिकली बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, CO2 + वाटर, एंड ये कैसी रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल्स, बना H2CO3, फिर बना HCO3 + H+, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, मतलब ऐसे वाला, तो ये कहाँ होता है, इन टिश्यू, और जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ होगा, इन लंग्स, जो ये वाला पार्ट है कहाँ होगा, इन लंग्स, जो ये वाला पार्ट है वो टिश्यूज में होगा है ना, टिश्यू में CO2 + वाटर, H2CO3, HCO3 और H+, मतलब अगर CO2 बढ़ रहा है तो H+ भी बढ़ेगा, ठीक है। और लंग्स में उल्टा होगा, H+ कम होगा तो CO2 भी कम होगा, ठीक है। दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ CO2 + वाटर H2O3,
gives HCO3+H+. Okay, so this is all about exchange and transport of gases. Thank you.